झारखंड के लोहरदगा शहर के 12 तालाब इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। जुलूस के दौरान पथराव के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। जिला प्रशासन के मुताबिक CAA के समर्थन में रैली के दौरान दो गुट आमने सामने हो गए, जिसके बाद जमकर पथराव हुआ। उग्र भीड़ ने मौके पर आगजनी की और वाहनों को निशाना बनाया। उपद्रवियों ने SP प्रियदर्शी आलोक को भी निशाना बनाया और उन पर पथराव किया। पथराव के कारण कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख SDO ने कर्फ्यू की घोषणा कर दी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अपने अपने घर को जाए, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। भीड़ प्लीज रास्ते में भीड़ नहीं लगाए।